या 07-662-35-24-51 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। घटना हुई है 6:30 बजे, मैं सीधी आ रहा था, लेकिन उनका चलबाजी कर ला ना। नहीं, कहाँ मैं टी कला क्या है ना, हम घटना कहाँ पे हुई, जो भी उन वहाँ है। हाँ, किसके द्वारा मारपीट की, मारपीट को अंजाम दिया? बाबा सिंह बनी बघेल, अब आंख का अंधम बंदूक चलावा ना, तो हम पचे सोचित हैं ठाकुर ठाकुर हो था, लेकिन अन्याय न करा। ये भाजपा के लिए काम, भाजपा के हम कांग्रेस के हैं, उसमें क्या राजनीति कोई बात हुई? हाँ, होती है, राजनीति की ही बात है, होती है। के लिए घर घर भाई अब कार्यकर्ता हैं, पूरी कार्यक्रम दिखाते हैं पब्लिक को, सरकार दे रही है और लोग चाहते हैं कि हमारा शासन काल चले। जानकारी के मुताबिक पता चला कि आप कोई सरपंच वगैरह ऐसा कुछ पद था? पूर्व सरपंच हैं ये, हम सरपंच हो रहे हैं, उप सरपंच हो रहे हैं, हमारे भाव सरपंच हो वहाँ ग्राम पंचायत मझरेटी मझरेटी कला के, लेकिन वो चाहता कि शासन हमारा चलाए, तो शासन चली गरीबन की मदद तो करा, खवा पियाबा अब ठीक नहीं कर रहे, झूक रह का न चली। उसका हमारे पास सुनना है, इसमें क्या है, साजिश है। किस चीज से मारपीट की गई आपके साथ? डंडा मारी नहीं, तो हमको खून निकाला भी है नहीं, निकाल। क्या नाम है आपका? जी सुखनिधान सिंह गहरवार। यहाँ पर इनको चोट लगी, कैसे चोट लगी? घटना के आधा घंटा पूर्व मैं इनके यहाँ गया था, ये देखने गया था कि ये किस तरीके से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा के स्थानीय नेता हैं, मैं भी भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूँ जी। इनको चोट कैसे लगी? चोट इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, जब ये फ़ोन किए तो मैं था चमरदाह में, इन्होंने मुझे ये बताया कि हड़बड़ों के पास दो बाइक में लोग आए, एक बाइक में दो लोग थे, एक बाइक में इनके यहाँ का एक स्थानीय बघेल था, बाबा बघेल नाम है उनका, ये इन्होंने मुझे बताया। तो एक कोई व्यक्ति डंडा लिया था बाइक में, तो इनके सिर में मार के अभी हम दोनों बाइक निकल आई जी। डंडे से मारपीट की? जी हाँ, डंडे से। ये कैसे थे, किस वाहन से थे? ये अपनी बाइक से थे। बाइक से जा रहे? जी हाँ। कहाँ से आ रहे थे? ये भाजपा जिला कार्यालय, भाजपा चुनाव कार्यालय आ रहे थे, बैलेट पेपर और कुछ चुनाव की सामग्री लेने। कितने बजे की घटना? ये लगभग घटना है 6:15-6:30 के बीच की है। विवाद, विवाद का क्या कारण हो सकता है? विवाद का कारण सिर्फ एक ही है, ये भाजपा के लिए, सीधी के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और संबंधित व्यक्ति कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने मुझे बताया कि दो डेमा के चौहान थे, इन्हीं के यहाँ का स्थानीय बघेल है। कैसे पता चला कि वो कांग्रेस के हैं या डेमा के हैं, क्योंकि मारपीट तो बाइक से दो लोग आए, मुबार की मार के चले गए जी। कैसे पता चला कि वही थे? जी इसके लिए वहाँ जो इनके यहाँ के स्थानीय निवासी हैं बाबा सिंह जी बघेल, वो कांग्रेस के ही सदस्य हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। कैसे पता चला कि वो है, क्योंकि आपने कहा कि मुंह बांध के आए, डंडे से मार के चले? नहीं, मुंह नहीं बांधे थे वो। हाँ। मैंने नहीं बोला कि मुंह बांध के आए थे। हाँ। मैंने ये बोला कि एक बाइक में दो व्यक्ति थे, एक बाइक में एक व्यक्ति था, एक बाइक उस साइड थी, एक बाइक एक साइड थी, ये बीच में फंस गए, संबंधित व्यक्ति ने इनके सिर में डंडा मारा, ये गिर गए और दोनों निकल गए जी। हाँ, आपको किसने बताया? इन्होंने हमें फोन किया जी। इनकी बाइक अभी कहाँ? इनकी बाइक बाहर होगी या वहीं होगी। फिर इनको वहाँ से घटनास्थल से यहाँ कैसे लाया गया जेल चीज़? ये किसी टैक्सी से जैसे भी आए हैं, यहाँ अस्पताल आए हैं, मैं वहाँ से आके इनको यहाँ तत्काल एडमिट करवाया हूँ। थोड़ी सी गलतफहमी, और मैं तो आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहूँगी, अभी भी समय वक्त है, समझ जाए, ये सरकार कांग्रेस की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में थोड़े दिन की बात है, आचार संहिता लगी, अपने आप को संभाल ले, संभल जाए और सुधर जाए। कल एक दलित के साथ मारपीट की गई है, आज एक ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ मारपीट की। थोड़ा वक्त है, आचार संहिता का वक्त है, अभी भी संभल जाए, मेरी चेतावनी है इनको कि जो भी कोई कर रहा है या करवा रहा है, अभी भी संभल जाए और सुधर जाए। ये भाजपा की सरकार है और किसी को भी छोड़ती नहीं है, और अन्याय का साथ नहीं देती भाजपा के, कहीं ना कहीं प्रशासन गुंडों की ये जो अव्यवस्था है ना, ये कभी बढ़ने नहीं देंगे हम, इतना हम बता रहे हैं। ये जो हमने देखा है कि किसी के भी बर्दाश्त के बाहर है, किसी के भी बर्दाश्त के बाहर, इसलिए मैं चेतावनी दे रही हूँ कि अभी भी संभल जाएं।
ये अभी गश्त में थे, इसी दौरान पता चला है कि कोई पारस विश्वकर्मा है मदरेटी कला के, उनके साथ किसी ने मारपीट की है। तो सूचना प्राप्त होने पर यहाँ अस्पताल आए हैं, अभी वो स्वस्थ हैं, उनको बोला गया है वो थाने पहुँच रहे हैं। जैसा वो यार, मचा आपको ना के रखा है, ऊपर बात करो क्या नहीं कर पा रहे आप लोग, नहीं कर पा रहे हो हाँ? इसका स्टेटमेंट दिलवाऊं, क्या हुआ इसके साथ, फिर से दिलवाऊं तो आओ लो स्टेटमेंट। एक साकेत स्टेटमेंट देगा, अभी बंसीलाल नहीं देगा। नहीं पिटते रहेंगे यार, तो मजाक है क्या, मजाक है ये, सामने के वाले कोई सुनता नहीं है। नहीं नहीं मजाक है, कल देखा सब कुछ ना हो। अरे चुप रहो, ऐसे क्या नाम है आपको? मान लेते हैं हम लोग तो अच्छा है, निपटा लेंगे, अफवाह रही है। वो पहले के अपराधी तत्काल बाद यहाँ से चेंज मुझे एक्शन चाहिए, एफआईआर के बाद मुझे एक्शन चाहिए उसको, जैसे मारा है ना उसने। नाम बताइए।